नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह के कोफ्ते बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए बनाते हैं। एक पैन फ्राई लिए हमने, इसके अंदर 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा डाल दिया, और जब ये सुनहरे भूरे हो जाए तो इसके अंदर 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर 3 प्याज डालेंगे, जिनको हमने बड़ा बड़ा कट किया है, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो नीचे उतार कर इसको ठंडा कर लेंगे। और अभी हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे, कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे हम। बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अभी हमने 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल और लिया है, 1 बड़ी इलायची डाल दी, 1 चम्मच जीरा डाल दिया, और जब जीरा सुनहरा भूरा हो जाए तो हमने 3 प्याज को बारीक बारीक काट कर इसमें डाला है, छोटे प्याज लिए हैं हमने, ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। और जब अच्छे से प्याज हमारा पक जाए तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालेंगे। ग्रेवी के हिसाब की हमें लाल मिर्च नमक डालना है। ये ध्यान रखें कि जो हमने ग्रेवी ग्राइंड की है उसमें भी हरी मिर्च है, तो उसके हिसाब से आप डालें। और जब मसाले आपके अच्छे से पक जाए तब इसके अंदर 3-4 चम्मच जो हमने ग्राइंड किए ग्रेवी वो डालेंगे। और अच्छे से फ्राई करेंगे कुछ देर चलाते हुए। और जब ये अच्छे से पक जाए तो 3-4 चम्मच इसके अंदर मलाई डाल देंगे, फ्रेश मलाई है घर की, और इसको चलाते हुए पकाएंगे। और अभी हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे। ये जो ग्राइंड की थी ग्रेवी मिक्सर जार में डाल के, बची हुई ग्रेवी भी डाल दी इसके अंदर, और 1 गिलास पानी डाल दिया साथ में। ये लीजिए कितनी बढ़िया ग्रेवी हमारी तैयार हुई है बनकर। तो इधर ग्रेवी बनती है, इतनी हम कोफ्ते बना लेते हैं। रात भर सफ़ेद चने हैं, 1/2 कटोरी चने लिए हैं हमने सफ़ेद, इनको रात भर भिगो दिया। अभी हम ग्राइंड कर लेंगे, एक बाउल के अंदर इनको निकाल लेंगे। और अभी हम इसके अंदर 5-6 चम्मच बेसन की डाल देंगे, ताकि अच्छे से हमारे कोफ्ते बाइंड हो सके। तो 5-6 चम्मच बेसन डाल दिया। अभी हम 1 कटोरी भर के सेवैयाँ डालेंगे और मिक्स करेंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ऐसे कोफ्ते आपने कभी नहीं खाए होंगे, तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, स्वादानुसार नमक, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे।
जितना बेटर है उसके हिसाब से आप नमक मिर्च डालें, कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप। तो अभी हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो अभी हमने रिफाइंड ऑयल लगा लिया हाथ पे थोड़ा, और अभी हम इसके कोफ्ते बनाएंगे छोटे छोटे। ये देखिए, ये लीजिए सारे बनकर रेडी हैं। अभी हमने पैन फ्राई में ऑयल को गर्म कर लिया खूब अच्छे से, और जितने एक बार में आएंगे उतने कोफ्ते हम डाल देंगे। और इनको अलटते पलटते हुए अच्छे से हम पकाएंगे। धीमे आंच पर पकाना है ताकि हमारी सेवइयां जो हैं अच्छे से पक जाएं, अंदर तक कच्ची नहीं रहे, जो भी बैटर है हमारा। और ये देखिए एक तरफ से पक गए, दूसरी तरफ पलट देते हैं इनको। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए पकाना है। इसी तरीके से हम सभी कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। ये लीजिए पक गए हैं, रेडी हैं कोफ्ते। अभी हम सभी निकाल लेते हैं। ये अभी हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है इधर, तो चलाते हैं कुछ इसको। और अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी और डालना है इसमें तो आप डाल सकते हैं। धीमी आंच पर पक रही थी हमारी ग्रेवी। और अभी इसके अंदर बने हुए कोफ्ते हम डाल देते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा कलर है हमारे कोफ्ते और ग्रेवी का। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करना कि आपको कैसे लगे। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए मेरे तरह के कोफ्ते। अभी ग्रेवी में कुछ देर पकने देंगे, उसके बाद हम अलटते पलटते हुए कुछ देर इसको पकाएंगे ताकि ग्रेवी हमारी अंदर तक चली जाए। और ये लीजिए बनकर बिल्कुल रेडी है हमारे कोफ्ते। ये देखिए हम इस सर्व कर देते हैं। ये लीजिए हमने सर्व कर दिए, थोड़ी सी ग्रेवी और डाल देते हैं इसके ऊपर। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। और नए तरह के कोफ्ते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये लीजिए बाकी के हम दूसरे बाउल में सर्व कर देते हैं सारे कोफ्ते। ये लीजिए देखिए सभी हमारे कोफ्ते रेडी हैं बिल्कुल। तो बनाइए और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।